पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज कोपरखैरने सेक्टर 22 में माता बाल हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। इस हॉस्पिटल के लिए सुनीता देवीदास हांडे पार्टी लगातार मांग करती आ रही थी, जिसके बाद महानगर पालिका ने इसके शुभारंभ का निर्णय लिया है। भूमि पूजन अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक, सुनीता हांडे पाटिल समेत कई पदाधिकारी और नागरिक भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवीनबाई कोपरखैरने प्रभाग 42 में माता बाल अस्पताल की मांग पूरी हो गई है। पूर्व नगर सेविका सुनीता देवीदास हांडे पाटिल की लगातार मांग और प्रयासों के बाद नवीनबाई महानगर पालिका ने यहाँ अहिल्याबाई होलकर माता बाल रुग्णालय बनाने की तैयारी कर ली है। आज पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गणेश नाइक के हाथों इसका शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप नाइक समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने माता बाल हॉस्पिटल के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों के लिए सुनीता देवीदास हांडे पाटिल की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। माता बाल रुग्णालय होते जीर्ण झाले होते, ते तोडून आता या ठिकाणी पुन्हा नवीन इमारतीचं पुनर्निर्माण होणार आहे। हे माता बाल रुग्णालय व्हावं याकरता कैलासवासी हांडे पाटलांनी फार मेहनत केली। खरं म्हणजे या परिसरातील लोकांना रस्त्यावरून चालणारा, फुटपाथवर फिरणारा देवीदास हांडे पाटील हा आपल्या कुटुंबातला एक मोठा घटक वाटत होता, मोठा भाऊ वाटत होता। असा हांडे पाटील ज्याने या रुग्णालयाकरता फार म्हणजे प्रकर्षानं आग्रह धरला, बाजूच्या प्लॉट करता सुद्धा त्याने मागणी केली। आता 18 महिन्यामध्ये रुग्णालय तयार होईल, बाजूचा प्लॉटसुद्धा घेऊन तिथे कार पार्किंग वगैरे किंवा सगळे जे येणाऱ्या गोष्टींकरता तो ब्लॉक भूखंड मिलावा अशा करता मी पण प्रयत्न करणार आहे। हांडे पाटील यांच्या नावाने एक ब्लड बँक अशा स्वरूपाचं करण्याचं संपूर्ण नियोजन चाललेलं आहे। तो हांडे पाटलाचं नाव जनतेसमोर राहील आणि ते लोकांच्या उपयोगाकरता उपयोग पडेल अशा प्रकारची एखादी गोष्ट निर्माण करावी माझ्या मनात इच्छा आहे। लवकरच या गोष्टीची निर्मिती होईल। वही निवर्तमान नगरसेविका सुनीता हांडे पाटिल ने विश्वास जताया कि माता बाल अस्पताल बनने से स्थानीय महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके दिवंगत पति देवीदास हांडे पाटिल का यह सपना था जो अब पूरा हुआ है। उन्होंने अस्पताल के शिलान्यास को उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया। उनका बहुत मेहनत की, उन्होंने लास्ट दम तक उन्होंने लोगों की सेवा की और उनका सपना आज पूरा हो गया। उनकी बहुत याद आ रही है, उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि है ये। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।